अब लोग दुआ करो मेरे लिए। हेलो दोस्तों, माशाल्लाह दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तंदुरुस्त होंगे और करो आफियत से होंगे। अल्लाह दोस्तों आपके रोजों को तंदुरुस्त रखे और आपके रोजों को कबूल अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, शिया भाई को आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना सऊदी अरब में सफर रवाना करते हुए 6 दिन मुकम्मल होने वाले हैं और शिया भाई को दोस्तों जो सफर है बहुत ही खैर आफियत से हो रहा है। शिया भाई दोस्तों आज के शहर से अपने सफर को रवाना कर रहे हैं। शिया भाई की आज करंट ड्राइव लोकेशन क्या है, शिया भाई का दोस्तों कितना सफर हो चुका है, सब लोग सब जानकारी आज की वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है। उसी के साथ दोस्तों शिया भाई के हवाले से हम आज बात करेंगे कि शिया भाई कब तक अपने हज मुकर्रमा पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और शिया भाई का लाइव लोकेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी जरूर लाइक कर दे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोग शिया भाई के हवाले से ज्यादा दुआएं करते रहा करें कि दोस्तों आप लोगों में से कोई ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के बहुत ही खास है दोस्तों और अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करते हैं। तो दोस्तों वो शिया भाई के हवाले से दुआएं करते हैं तो शिया भाई का सफर है वो आसान हो जाता है। तो आप दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शिया भाई के हवाले से दुआएं करते रहा करें। शिया भाई को दोस्तों आज अपने सऊदी अरब का सफर रवाना करते हुए 6 दिन होने वाले हैं और 6 दिनों में दोस्तों शिया भाई का जो सफर है बहुत ही खराब आफियत से जारी है। शिया भाई ने दोस्तों इन 6 दिन लगातार अपने सफर को रवाना करा और कोई भी मुश्किल शिया भाई को नहीं हो रही है सऊदी अरब में। शिया भाई का दोस्तों सऊदी अरब में बहुत अच्छे से इस्तकबाल भी हुआ। शिया भाई के दोस्तों जो शेख है सऊदी के वो भी शिया भाई का बहुत अच्छे से इस्तकबाल करेंगे। उसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिया भाई का 100 से 150 किलोमीटर का सफर अभी सऊदी अरब में रवाना हो चुका है रोजे की हालत में। शिया भाई का दोस्तों आज 7वां रोजा है और दोस्तों शिया भाई का जो सफर है वो रोजे की हालत में हो रहा है। आपको दोस्तों रोजा रखें और रोजे की हालत में दोस्तों अगर आप सफर करेंगे तो आपसे सफर नहीं हो पाएगा, लेकिन दोस्तों अल्लाह का रहम करम से शिया भाई अल्लाह का नाम लेकर अपने सफर को रवाना कर रहे हैं और शिया भाई को सफर करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही रोजे की हालत में। लेकिन दोस्तों फिर भी आप शिया भाई के हवाले से दुआएं करते रहा करें क्योंकि दोस्तों शिया भाई एक नेक काम पर निकले हैं। शिया भाई का जो सफर है वो आसान होना चाहिए, शिया भाई के सफर में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी के हवाले से दोस्तों आप लोगों का रोजा अल्लाह कबूलता फरमाए, आप लोगों को रोजा रखने की अल्लाह ताकत और हिम्मत दे। आप लोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें क्योंकि दोस्तों रमजान के महीने में जो रोजे के बाद अहम इबादत है वो कुरान मजीद की तिलावत है। कुरान मजीद को अल्लाह ने रमजान के महीने भी नाजिल किया दोस्तों, इसलिए कुरान मजीद का जो मर्तबा है दोस्तों रमजान के महीने में वो बहुत बड़ा है। रमजान के महीने में कुरान मजीद ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए जितना हमसे हो सके और कुरान की तिलावत भी करनी चाहिए। इसी के हवाले से दोस्तों आप नमाजें भी पढ़ें, नमाजों में शिया भाई के हवाले से ज्यादा दुआएं करें कि शिया भाई का जो सफर है वो आसान हो, शिया भाई की जो मंजिल है वो मिल जाए। शिया भाई एक नेक सफर पर निकले हैं तो शिया भाई का जो सफर है वो आसान रहे। हम आपको दोस्तों शिया भाई का 2023 तक का पूरा सच्चा लाइव लोकेशन देने की कोशिश करेंगे, इसलिए दोस्तों आप कहीं ना जाएं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं शिया भाई के अगले बिग अपडेट के साथ।